तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत आप सभी एक नए और प्यारे से व्लॉग में। तो गाइज, अब की बार हर साल की तरह फिर से एक बार निरंकारी संत समागम आ चुका है। तो गाइज, हम जा रहे हैं आज निरंकारी संत समागम में। फिलहाल हम स्टेशन पे बैठे हैं अपने समालका वाले में, और हमारे साथ अपना भाई अभिषेक, और ये अपना शिवम भाई, और अपना हिमांशु भाई। तो गाइज, आज चलते हैं निरंकारी समागम में और आप सभी को दिखाते हैं कैसा क्या प्रोग्राम है वहाँ पे, कैसा माहौल है। तो चलो चलते हैं, अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बस ट्रेन आने वाली है। तो गाइस, पिछले साल भी आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था वीडियो वगैरह पे, काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया था, तो थैंक यू सो मच। और अब की बार फिर से एक नई वीडियो आप सभी के लिए। तो बस ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ट्रेन आने वाली है। हिमांशु भाई, शिवम भाई, रेडी हो? यस, चलो इसे चलो भाई। तो गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है, नेक्स्ट स्टॉप इज, अगला स्टॉप है ना अपना। अच्छा, तो गाइस चलो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टॉप पे। चले फिर आगे खड़ा भाई, चल ना रुकना दे भाई भाई, फोन करेंगे आपको, हम पहुंच गए हैं। ओके भैया भाई। तो चल पड़े अभी, हम हमारी ट्रेन में चल पड़ी है। अभी 2 मिनट का सफर है, बस 2 मिनट में हमारा स्टॉपेज आ जाएगा। क्या बातें कर रहे हो भाई, कुछ नहीं। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं, बस 1 मिनट का रास्ता रह गया। और लाइटिंग भाई दूर दूर से हो रही है, बिल्कुल काफी दूर दूर तक। तो गाइस, ये लगभग 700 किलो में होता है हर बार समागम। काफी अच्छे से तैयारी कर रखी है, और हमारा स्टेशन भी आ चुका है। ये रहा हमारा स्टेशन बोडल माजरी। गाइस, फाइनली हम उतर चुके हैं स्टेशन पे, और तकरीबन सारी ट्रेन खाली हो चुकी है। ये गीता जयंती है, स्पेशल यहाँ पे रुकी है ये। तकरीबन यहाँ पे अब सारी ट्रेनें रुकती हैं, और अगर आप दिल्ली शहर हो तो दिल्ली से लगभग 60-65 किलोमीटर है बोडल माजरी स्टेशन। तो यहाँ पे हो रहा है निरंकारी संत समागम। गाइस, स्टेशन से बाहर आते ही सबसे पहले पानी की व्यवस्था कर रखी है काफ़ी अच्छे से, इधर भी और इधर भी, और इधर से होगी अंदर समागम में एंट्री। तो अभी चलो अंदर चलते हैं और एंट्री करते हैं। तो गाइस, हमारी एंट्री होने वाली है, बस अभी चेकिंग चल रही है, काफ़ी लंबी लाइन लग रही है, यहाँ से चेकिंग होएगी। इस फाइनली लंबे प्रोसेस के बाद एंट्री हो चुकी है, अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं समागम और समागम की अर्थव्यवस्था। तो गाइस, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी बड़ा है ना, 700 किलो में हो रहा है ये समागम। तो ट्रैक्टर वगैरह भी है, और गाड़ियाँ वगैरह भी लगा रखी है, बस वगैरह भी हैं, और विकलांगों के लिए स्पेशल गाड़ी वगैरह है। तो हम तो पैदल ही चलेंगे घूमते फिरते, और अभी चलो चलते हैं अंदर। साइड में चलने के लिए बना रखा है, और उधर से गाड़ियाँ वगैरह जा रही है सारी। तो ये पुलिस सिक्योरिटी के साथ खड़े हैं सभी यहाँ पे। तो गाइस, ये सामने लंगर की सेवा चल रही है, काफ़ी दूर दूर तक, बहुत दूर तक लंगर की सेवा आई है। तो कल आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे आपको लंगर की सेवा और एग्जीबिशन। चार्जिंग पॉइंट भी है, एटीएम भी है, और प्रदर्शनी भी है। दूर दूर से लोग आए हैं, मुंबई महाराष्ट्र जैसी जगहों से, और काफ़ी साफ सफाई, काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है दूर दूर तक इन्होंने। सभी ये बोल रहे हैं कैंटीन में चलते हैं, तो चलो चलते हैं हम भी, देखते हैं कुछ खा पी लेते हैं, क्या सिस्टम है अंदर क्या नहीं। तो गाइस, ये है कैंटीन के खाने का मेन्यू और रेट लिस्ट वगैरह जो भी है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, और अंदर काफ़ी सारी भीड़ है, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी से अगले क्या गए कूपन इनको दे दिए बेचारों को, कूपन पहले क्या क्या खाएगा देख तो ले, पहले क्या खाएगा, पैसे दे रखे हैं। रसमलाई अभी मजा आएगा ना, भिड़ो चेक कर ले भाई, है या नहीं, घर खाता है भाई। चलो गाइस, अभी हमने 2 प्लेट पुआ ले ली है, 10-10 रुपए की थी भाई। डाइनिंग टेबल पे खा लो तुम जाके वहाँ पे, हाँ। तो गाइस, काफ़ी अच्छा है पोहा, खा के देखा मैंने, स्पाइसी है, मिर्च हमने डलवा ली। तुम्हें कैसे लगा, इसके बाद क्या खाओगे, छोले छोले कुलचे क्या हुआ? अभी हिमांशु ब्रेड लेने गया है वहाँ पे, वो लाइन में लग रहा है उधर, और इसको बढ़ने नहीं दिया, इसको बोले कि साइड से आओ, ये पीछे कर दिया इसको, गया ही नहीं है। तो गाइस, हिमांशु ब्रेड लेके आ चुका है अभी, काफ़ी अच्छे ब्रेड है, देखो टेस्टी है वैसे सारा खाना यहाँ का। चटनी लेके आया, वेलकम गाइस। यहाँ पे लग रही है स्टॉल, छोले पूरी, छोले कुलचे, छोले चावल, और पोहा, ब्रेड, और चाय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उधर
कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, जूस वगैरह है और सब कुछ है वहाँ पे। भाई सभी हमने चिप्स ले लिया है और कोल्ड ड्रिंक ले लिया है। खाना कैसा था अभिषेक, सच्ची सच्ची बताओ। तो भाई सच्ची में खाना काफ़ी अच्छा था भाई यहाँ का, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो एक बार विजिट करो आप भी, कैंटीन वगैरह का खाना वगैरह खाओ, काफ़ी अच्छा खाना है। अभी हम कैंटीन से निकल के एग्जीबिशन की तरफ आ चुके हैं, लेकिन एग्जीबिशन आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ और घूमते हैं थोड़ा सा। मानसु अभिषेक कहाँ जा रहे हो भाई मेरे को छोड़ के? तो गाइस पाटा खुल चुके हो, काफी अच्छा माहौल था यहाँ, काफी अच्छी व्यवस्था थी, हर जगह पानी की व्यवस्था थी, सफाई की व्यवस्था थी और काफी अच्छा खाना था। खाना काफी अच्छा था और कैंटीन और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड हर तरह की व्यवस्था कर रखी है, काफी प्यारी व्यवस्था है यहाँ पे। और सामने सत्संग हो रहा है। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ, काफी देर हो गई हमें घूमते घूमते, पैरों में दर्द हो गया होगा अभिषेक है ना भाई? 700 किलो में घूमे आज हम। क्या 700 किलो में? हाँ तो गाइस 700 किलो में व्यवस्था कर रखी है सारी। और हिमांशु और फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं अभी। हिमांशु चले भाई घर पे। तो गाइस अभी चलते हैं घर पे। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घर पे और बस अभी आए थे, अभिषेक ने बाइक उठा ली, अभी बाजार गए थे मानसु छोड़ने। तो गाइस उम्मीद है आप सभी को ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, हमें तो काफ़ी मज़ा आया निरंकारी समागम में जाके। आप भी जाओ और आप भी एक बार घूम कर जरूर आओ, देखो कैसा एक्सपीरियंस है। काफ़ी प्यारा माहौल था, साफ़ सफाई, चार्जिंग की व्यवस्था, ATM काफ़ी अच्छा, सब प्रकार से काफ़ी अच्छा प्रबंध था। और अभिषेक भाई आपको कैसा लगा भाई? आपके बार भाई बहुत सुविधा थी भाई, पिछले साल से भी मतलब बढ़ के सुविधा भाई, बहुत बढ़िया भाई। आप सभी आओ, आनंद उठाओ समागम का। और गाइस व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस अगले व्लॉग में आपको एग्जीबिशन और लंगर वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। उम्मीद आप सभी को व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।